वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है उल्टी को रोकने के लिए सबसे अच्छी दवाएं कौन सी होती है, इनका डोज किस प्रकार से बच्चों और एडल्ट में निर्धारित किया जाता है, उनकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो इसमें सबसे पहले मेडिसिन की बात करें जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जो कि उल्टी को रोकने के लिए ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है। ये मेडिसिन है डोमपरीडॉन, जो कि आपने कॉम्बिनेशन फार्म में भी देखा होगा, PPI ग्रुप की मेडिसिन जैसे कि पेंटापैराजोल या ओमीपैराजोल के साथ डोमपरीडॉन जो है वो कॉम्बिनेशन फार्म में भी आती है। अगर इस मेडिसिन के फेमस ब्रांड की बात करें तो वोमीस्टॉप, डोमेल और डोमस्टाइल इसके पॉपुलर फेमस ब्रांड है। अगर इसकी हम डोजेज की बात करें यानी बच्चों में और एडल्ट में इसकी डोज किस प्रकार से दी जाती है, तो एडल्ट की डोज की बात करें तो एडल्ट को जो ओरली दिया जाता है 10 mg से लेकर 20 mg ओरली दिया जा सकता है, दिन में 3 से 4 बार दिया जा सकता है और हमेशा बिफोर मील यानी खाना खाने से पहले ये मेडिसिन दी जाती है, जिससे कि उनको उल्टी भी ना आए और क्योंकि कॉम्बिनेशन फार्म में रहेंगी तो वहाँ पर एसिडिटी में भी काम करेंगी। अगर बच्चों की डोज की बात करें तो बच्चों की डोज जो होती है वो अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट के हिसाब से 0.3 से लेकर 0.5 mg पर kg के हिसाब से दिन में 3 से 4 बार दी जा सकती है बिफोर मील यानी खाना खाने से पहले। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो नेक्स्ट मेडिसिन है प्रोक्लोरपैराजिन, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मेडिसिन है। अगर इसके ब्रांड की बात करें तो स्टेमेटिल, एमेडॉक्सिन, जेमेटिल। स्टेमेटिल जो कि इंजेक्शन फार्म में भी आती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मेडिसिन मानी जाती है क्योंकि ये माउथ डिजॉल्विंग टेबलेट होती है यानी आपको माउथ के अंदर रखना है और ये माउथ में ही डिजॉल्व हो जाएगी और अपना एक्शन शो करने लगेगी। एडल्ट डोज की बात करें तो ओरली 5 mg से लेकर 10 mg ओरली दिया जा सकता है, दिन में 2 बार दी जा सकती है। वही अगर चिल्ड्रेन की केस की बात करें तो जो 2 साल से यानी कम उम्र के बच्चे हैं उनको 0.4 mg से लेकर पर kg के हिसाब से दिन में 6 से 8 घंटे की गैपिंग पे ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जा सकती है यानी दी जा सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो वो है ओंडेसेट्रान, जो कि टेबलेट फॉर्म में भी आती है और इंजेक्शन फॉर्म में भी आती है, सिरप फॉर्म में भी आती है, 4 mg और 8 mg की स्ट्रेंथ में ये आपको मार्केट में मिल जाएगी। अगर इसके फेमस ब्रांड की बात करें तो एमसेट्रॉन, ओंडेम, नोवोमिट ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड हैं। अगर इसकी हम डोज की बात करें तो एडल्ट में इसकी जो डोज होती है ओरली 8 mg ओरली दिया जा सकता है 4 आवर्स के गैपिंग पे यानी दिन में 3 से 4 बार इस मेडिसिन को दी जा सकती है। वही चिल्ड्रेन की बात करें तो 4 mg इन 4 आवर्स लेस देन 12 ईयर्स, अगर 12 साल से नीचे का बच्चा है तो उसको 4 mg दिया जा सकता है, वो भी 4 घंटे की गैपिंग पे। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो वो है प्रोमेथाजिन, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। एवामिन यानी जो इसका ब्रांड नेम है ये इस एवामिन ब्रांड से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अगर टेबलेट की बात करें तो ये 25 mg की स्ट्रेंथ में और कई स्ट्रेंथ में आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। सिप्रोसिन, एनिमोल इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड हैं। अगर इसकी हम डोजेस की बात करें तो इसकी जो डोज होती है एडल्ट डोज की बात करें तो ओरली 20 mg ओरली दिया जा सकता है 4 घंटे की गैपिंग पे यानी दिन में इसको भी 3 से 4 बार दिया जा सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी माना जाता है मोशन सिकनेस यानी जब यात्रा के दौरान किसी को उल्टी मतली या चक्कर आते हैं तो उस कंडीशन पे ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। इस मेडिसिन की मोशन सिकनेस में बात करें तो 20 mg 1 आवर्स बिफोर जर्नी, अगर आप यात्रा करने जा रहे हैं तो 1 घंटे पहले इस मेडिसिन को आप ले सकते हैं, जिससे आपको जो मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम हो रही है उसे बचा जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें जो कि वेनिसेट्रॉन टेबलेट फॉर्म में आती है, ये भी ओंडेसेट्रॉन की तरह वर्क करती है। इसके पॉपुलर ब्रांड की बात करें तो ग्रेनी सिप, ग्रेनडेम और टैडी ग्रेन इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड हैं। अगर इसके हम डोजेस की बात करें यानी बच्चों में और एडल्ट में इसकी डोज क्या होती है, तो बच्चों में अगर बात करें तो इसको बच्चों में इस मेडिसिन का उपयोग नहीं किया जाता है, वही एडल्ट में ओरली इस मेडिसिन को 2 mg वंस ए डेली यानी दिन में 1 बार 2 mg दी जा सकती है या तो आप 1-1 mg सुबह शाम दे सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके जानकारी की पर्पज़ से बनाई जाती है, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर ऐसे वीडियो और चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू दोस्तों।